दोस्तों, अगर आपके जेट प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, इस तरह से उसकी पत्तियां गिर रही हैं या पौधा बेजान सा हो रहा है, पत्तियों में बिल्कुल चमक नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम आपके जेट प्लांट में है, तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, वैसे तो जेट प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि बहुत कम केयर में ही चलता है और ग्रो भी करता है, पर अगर आप इसकी थोड़ी सी भी देखभाल करेंगे तो बिल्कुल जंगल की तरह ये इस तरह से जंगल बन जाएगा। इसकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा ये प्लांट बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ पर है और मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं जो कि मैंने कई वीडियो में दिखाया है। और एक प्लांट मैं 2 साल पहले 35 रुपये का नर्सरी से लाई थी, काली पॉलीथीन में लगा हुआ, उसी की कटिंग लगाते लगाते साथियों मेरे पास 100 से अधिक प्लांट हो गए हैं। तो इस तरह से आप जेट प्लांट ऐसा प्लांट है, फ्लेक्सिबल है, इसका किसी भी आकार में आप बोनसाई टोपियारी बना सकते। देखिए, हाल टोपियारी बनाई है दिल के आकार में। साल भर पहले मैंने कटिंग लगाई थी, अब ये मेच्योर होकर बन गया है। और देखिए, आज टोपियारी बनाई है और मैंने ये एक पीकॉक भी बनाया है जिसकी वीडियो आपके साथ मैंने शेयर की थी। तो आप इसको किसी भी आकार दे सकते हो, क्योंकि अब आसानी से इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी लग जाती है। कुछ लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि इनके जेट प्लांट की पत्तियां गिर रही हैं। तो पत्तियों के गिरने का मुख्य कारण है दोस्तों, आप अगर ज़्यादा पानी डालोगे तो इनकी पत्तियां पीली होकर गिरने ज़रूर लगेंगी, और प्रॉपर धूप में नहीं रखे हैं तो भी पत्तियां पीली होकर गिरेंगी ज़रूर, ये पक्की बात है, क्योंकि ये पौधा धूप का पौधा है। आप छाया में मत रखिए, ये आउटडोर प्लांट है, इंडोर नहीं है। और पानी तब दीजिए जब ऊपर की मिट्टी अच्छे से सूख जाए, तभी दूसरा पानी दीजिए। अब मैं बताऊंगी कि जेट प्लांट की सॉइल कैसे बनानी है। तो इसकी साथियों, सबसे पहली बात आप समझ लीजिए, ये सकुलेंट फैमिली से है, इसकी पत्तियों में स्टंप में बहुत पानी होता है, इसलिए इसको पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। तो इसकी जो सॉइल आप बनाएं, वेल ड्रेन बनाएं, 60% आपको इसमें 50% गार्डन सॉइल लेनी है और इसमें 20% सैंड ज़रूर मिलाइएगा जिससे कि पानी इसमें ठहरने ना पाए। और 20% आप कोई भी कंपोस्ट मिला सकते हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो या तो फिर आप 2 साल पुरानी गोबर की खाद भी ले सकते हैं। बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। साथियों, ये एकदम मस्त मौला पौधा है। मैं अब आपको दिखाऊंगी ये हैंगिंग प्लांटर में कितना ब्यूटीफुल लगता है। मैंने कम से कम 10 हैंगिंग प्लांटर को लगा रखा है। देखिए, इसमें फूल तो नहीं आते हैं साथियों, लेकिन इसकी हरियाली कितनी मनमोहक है, हर समय हरा रहता है आपका गार्डन। और सबसे बहुत बड़ी बात, इम्पॉर्टेंट बात है, एयर प्यूरीफायर प्लांट है ये, हमारे गार्डन में शुद्ध ताज़ी हवा को देता है। तो इस तरह से जेट प्लांट को लगाना बिल्कुल आसान है। इसके कई नाम हैं, जेट प्लांट, लकी प्लांट, केसुरा ओआटा, इस तरह से आपके बहुत सारे नाम हैं। आप कटिंग लगाते रहोगे, आपके पूरे गार्डन में इसकी हरियाली फैल जाएगी। जेट प्लांट को बार बार पानी देने की गलती आप बिल्कुल ना करें, जब मिट्टी सूखी दिखाई दे तभी पानी दें। ज़्यादा पानी देंगे तो नीचे से इनकी स्टंप गल जाएंगी, धीरे धीरे आपका पूरा पौधा खराब हो जाएगा। फ्रेंड, जेट प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने किचन से ही जो मिल जाएगा, बहुत सस्ती खाद है, तो
पहला फर्टिलाइजर साथियों मैं आपको बताने वाली हूँ। आज से एक महीना पहले मैंने चाय की पत्ती डाली थी, उसका वीडियो आपके बीच में मैंने शेयर किया था। सबसे पहले तो बताऊंगी इसकी कटिंग कैसे लगती है। मिट्टी तैयार कर लीजिए इस तरह से और अपने प्लांट से ही कोई कटिंग इस तरह से काट लीजिए। और नीचे से एक हाथ में कैमरा है, ये देखिए दो दो पत्तियां, नीचे से तीन पत्तियां एक इंच तक करीब निकाल दीजिए और इस तरह से मिट्टी तैयार है। आपके फ्री में बहुत सारे पौधे इस तरह तैयार हो जाएंगे। आधा इंच मिट्टी में इस तरह से आप दबा दीजिए, बारिश के दिनों में बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं इसकी कटिंग। कहीं से भी आपको कटिंग मिल जाए, मैं तो कटिंग लगाती रहती हूँ, बहुत लोगों को बांटती भी रहती हूँ। जो कोई आता है मेरे गार्डन में वो दो चार पौधे लिए बिना जाता ही नहीं। देखिए कटिंग से एक पौधा मेरा तैयार हो गया। इस तरह से आप बहुत सारे कटिंग लगा सकते हैं। अभी मैंने फरवरी के महीने में साथियों ये देखिए चार पांच कटिंग इसमें लगाई थी, अब ये इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई है कि इसको उठा पाना मुश्किल, बहुत फास्ट ग्रोथ है इसकी। तो आप भी कटिंग ज़रूर से ज़रूर लगाइए। जो पौधे पत्तियों वाले हैं जैसे डिपेनबेचिया है, सिंगोनियम है और आपका जेड प्लांट है, इन पर नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर ही फ़ायदा करता है। तो आज से महीने पहले चाय पत्ती दी थी, हरियाली और ग्रोथ आपके सामने है। दूसरी बार मैं देने जा रही हूँ जो फर्टिलाइज़र, वो आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। ये है कॉफ़ी पाउडर साथियों, आपके किचन में भी ज़रूर होगा, अगर नहीं है तो 2 रुपए की ये पाउच मिलती है। आपको लेना है एक पाउच और इस मैंने तो बना रखा है साथियों, मेरा पाउडर तैयार है फर्टिलाइज़र। और एक गिलास पानी में एक पाउच को खोल लीजिए और ध्यान रहे जब भी आप दें तो मिट्टी बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा ना तो गीली हो और ना बहुत ज़्यादा सूखी हो, थोड़ा थोड़ा मॉइश हो। आप अपने सारे प्लांटों में इस तरह से कॉफ़ी पाउडर का घोल बनाकर ज़रूर दीजिए। आपका पौधा 15 दिनों के अंदर ही इतनी ग्रोथ करने लगेगा, इतना हरा भरा हो जाएगा। ना हो जाए तो मुझे कमेंट करिएगा, चाहे पानी में घोल कर दे दीजिए, इसको अच्छे से घोल कर 10 मिनट रख दीजिए फिर डालिए। आपको एक बार तो चाय का पत्ती भी डाल दीजिए, दूसरी बार कॉफ़ी पाउडर डाल दीजिए। इस तरह से आपका पौधा बहुत तेज़ी से फास्ट ग्रोथ करेगा। साथियों अब मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ कि ये पौधा बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। ये देखिए कितना फ्लेक्सिबल पौधा है, इसका आप कुछ भी बना सकते हो। मैंने जो कुछ बनाया है वो आपके बीच में शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो देखिए मैंने हार्ड टोपियारी बनाई है, बस ये है कि इनको समय समय पर डी शेप्ड हो जाते हैं, उनको आपको प्रूनिंग ट्रिमिंग करके शेप में लाना होता है, थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ता है। देखिए कितनी अच्छी मेरी हाल टोपियारी है। दूसरी टोपियारी मैंने बनाई है साथियों आर्च टोपियारी, ये भी 1 साल पहले पिछले जून में मैंने बनाई थी और बहुत तेज़ ग्रोथ कर रही है। इनका भी ट्रिमिंग प्रूनिंग का समय आ चुका है, बहुत ज़्यादा फास्ट और तेज ग्रोथ है इसमें। देखिए दूसरी टोपियारी तैयार हो गई। तीसरी टोपियारी मैंने बनाई है साथियों पीकॉक की, अगर आपको ये पीकॉक अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। और इसको बनाने का तरीका मैं अभी एक वीडियो अपलोड करूँगी और दूसरा बनाकर भी आपको दिखाऊंगी, ताकि आप भी अपने गार्डन में असली ना सही लेकिन प्लांट का तो आप मोर बनाकर रख ही सकते हो। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रही हूँ, मेरे पास कम से कम 5-6 पिकॉक हो गए हैं, एक पिकॉक मैंने अपनी काम वाली बाई को भी दे दिया। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आज से 10 दिन पहले छत पर आई, सुबह मॉर्निंग में 6 बजा था,
मेरे इस पिकॉक को देखकर एक ओरिजिनल पिकॉक आया, लेकिन जब तक मैं वीडियो के लिए कैमरा खोलने चली वैसे ही वो फर से उड़ गया। तो इनको देखकर बहुत सारे चिड़िया, मोर, बुलबुल अट्रैक्ट भी होते हैं। तो अगर आप बनाएंगे तो आपके गार्डन में ओरिजिनल बर्ड्स भी आना शुरू कर देंगे। जानकारी अच्छी लगी है, मेरा फर्टिलाइज़र अच्छा लगा है, तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर मेरा ये पिकॉक अच्छा लगा है आपको तो इसको सब्सक्राइब करते चलिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली जानकारी के लिए देखते रहिए लखनवी गार्डनर चैनल। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।